सलाम, कैसे जनाब? आप वोट कास्ट कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट कास्ट किसे दिया, किसे वोट दे के आ रहे हैं आप? सिर्फ वही बंदा जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर यहाँ दिखाएं, लोग पर्चियाँ बनवा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के कैंपों में रश नजर आ रहा है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है? तो इंशाल्लाह यही है कि कैदी नंबर 804 को बाहर निकालना है। इस बार इंशाल्लाह बाहर आएगा और हमारे वोट से आएगा और इंशाल्लाह वोट डाल के आएगा। अच्छा जी, एक और वोटर आ गया जी, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का हम सपोर्टर है तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, फिर आएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, कहा जाता था कि पीटीआई के कैंप्स नहीं लगेंगे, माशाल्लाह हमारे कैंप्स पे सुबह 8 बजे से पहले ही रौनक है। और ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कैंप्स देखें जी, खालम खाली पड़े हैं। ये नून लीग का कैंप है, एक बंदा नहीं है नून लीग के कैंप पे। और ये रहा टीएलपी का कैंप, तो इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी जी। पोलिंग का अमल स्टार्ट हो चुका है, ये पहले वोटर हैं जो वोट कास्ट करके आ रहे हैं और इन्होंने अंगूठा दिखा रहे हैं दूर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? वोट कास्ट कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट कास्ट किसे दिया, किसे वोट दे के आ रहे हैं आप? सिर्फ वही बंदा जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, वही बंदा जिसने यूनाइटेड नेशन में खुल के कहा या कला बदो वही क्रस्त, उसको वोट दे के आ गया। बिल्कुल उसी को वोट। सर आपने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन फिर भी आप इमोशनल हो रहे हैं। हमें इमरान खान से बहुत प्यार, बहुत प्यार। अल्लाह इंशाल्लाह छूट के आएगा, खुबेरी बन के आएगा इंशाल्लाह। ये मेरी बात आज याद रखिएगा अपनी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यही इमरान खान का दौर आने वाला है। देखिए जी, ये जज्बा है, पहला वोट कास्ट किया है और आप देख सकते हैं ये पहला वोट कास्ट करके आ रहे हैं और इमरान खान को वोट दिया है और दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो। सर आप समझते हैं आपके वोट से इमरान खान की रिहाई हो जाए? सर मेरे वोट से नहीं होगी, ये हम लोग सब जितने भी हैं, हमारे कम अज़ कम टर्न ओवर 70% होना चाहिए। अभी मैं जो अंदर गया हूँ, जो हालात देख के आया हूँ, ठीक है, जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, देखिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने दो बॉक्स जो रखे हुए, एक पे वाइट लिखा हुआ है, एक पे ग्रीन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और दूसरे बैलेट पेपर पे इतनी कन्फ्यूजन है ना कि जब तक आदमी कोई पढ़ा लिखा अंदर ना जाए उसको ये पता चलता नहीं है कि हालांकि कामरान इधर भी है, कामरान उस तरफ भी है, आसिफ इधर भी है, आसिफ उधर भी है। लेकिन यह है कि जो NA 32 वाला जो पेपर है उसमें हमें समझ आ गई कि चलो ये जो है आसिफ को डालना है, या जो दूसरा है PK 82 उसमें हमें पता है कि हमारी जान जो है कामरान बग्गश है उसको दे दिया है। एक्चुअली तो हम लोग इमरान खान को ही वोट दे रहे हैं, बट यह है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इन लोगों ने इस मरतबा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बनाई हुई है। अच्छा सर मुझे बता दें, बहुत सख्तियाँ की गई, बहुत पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन फिर भी वोटर निकल रहे हैं। अगर यहाँ दिखाएं, लोग पर्चियाँ बनवा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के कैंपों में रश नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी, ये असल में इमरान खान से लोगों की मोहब्बत है और उनको पता है कि यही एक बंदा है जो ईमानदार है, जो आएगा इस मुल्क को ठीक करेगा, बाकी तो सब बस बहुत बेकार लोग हैं। ठीक है, देखें जी, ये दूर से आ रहे थे और दूर से ही इस तरह दिखाते आ रहे थे कि मैंने वोट कास्ट कर लिया है। दिखाएं जी ज़रा, वोट कास्ट कर लिया है इन्होंने और अपना कौन सा वोट कास्ट करें, मतलब कितने वोट अभी तक कास्ट कर लिए आपने? सर मैंने तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ और जब भी किया इमरान खान को ही वोट दिया है। आज भी जब जहाँ पर मैं जब पिंडी में था तब भी उस पर, और जब यहाँ पर था बहुत टाइम से, मैं तो यहाँ पर पिशावर में ही रह रहा हूँ, तो यहाँ पिशावर से ही हम लोगों ने फिर जो है सारा ट्रांसफ़र कर लिए थे। और हमारे घर में जितने भी लोग हैं, चाहे मेरा बेटा है, बेटी है या मेरी बीवी है, ये चारों के चारों हम लोग जो है PTI के सपोर्टर्स हैं और इमरान खान को ही वोट डालते हैं। और इमरान खान को ही वोट डालते हैं, आप देख सकते हैं रश लगा हुआ है। अच्छा सर, यहाँ एक चीज़ नज़र आई है, नून लीग का कैंप नहीं है यहाँ पे, यहाँ तहरीक इंसाफ का कैंप नज़र आ रहा है, दूसरी जमातों के कैंप नज़र आ रहे हैं। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं जी, इस तरफ दिखाएं, इस तरफ दिखाएं, आगे दिखाएं, नून का कैंप नहीं है यहाँ पे। नून वाले शेर बिल्कुल ढेर,
शेर बिल्कुल डेढ़। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या क्या जज्बा है, क्या जुनून है? जज्बा तो इंशाल्लाह यही है कि कैदी नंबर 804 को बाहर निकालना है। इस बार इंशाल्लाह बाहर आएगा और हमारे वोट से आएगा और इंशाल्लाह वोट डाल के आए। अच्छा जी जी, दूसरा वोट आ गया जी, वोट कास्ट कर रहे हैं? वोट कास्ट कर गए और जमीर मुतमईन हो गया है। अल्लाह की कसम, इतना सुकून महसूस हो रहा है ना। हमने आज अपना हक अदा किया खान के लिए। इंशाल्लाह खान आएगा, दोबारा आएगा, इन चोरों लुटेरों के खिलाफ आएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है, दुआ करके इंशाल्लाह। सबक पढ़ के हमने अंगूठे लगाए, सबक पढ़ के दुआ करके अंगूठा अंगूठा लगाया। अच्छा जी, एक और वोटर आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का हम सपोर्टर है, तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, फिर आएगा इंशाल्लाह, आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी सर, आप वोट कास्ट करें आप भी? बिल्कुल इमरान खान। देखिए जी, ये जज्बा, लोग वोट कास्ट करके अब वापिस आ रहे हैं, दिखाएं जी, और वोट इमरान खान को। बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान खान को दिया अभी। बिल्कुल इमरान खान को, वीडियो भी दिखा सकते हैं। वीडियो भी बनाई है जी। देखें जी, ये जज्बा है, ये जुनून है लोगों का। लोगों ने इमरान खान को वोट कास्ट करना शुरू कर दिया। दिखाएं जी जरा, वीडियो दिखाते हैं अपने नाजरीन को। हम यहाँ वीडियो दिखाएंगे जो इन्होंने बनाई है। लोग इमरान खान को वोट कास्ट करके वापस आने लग गए हैं। यहाँ वोटर्स आ रहे हैं, दिखाएं जी, ये दिखाइएगा। ये बाल्टी निशान है आसिफ खान का, जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार है, हथकरी, सॉरी हथकरी। ये देखें, और कामरान खान बंगश को ये रैकेट पे मोहर लग गई है, ये आप दिखा सकते हैं। लोगों ने वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है। क्या समझते हैं, शाम को जीत होगी? इंशाल्लाह जीत होगी, पक्की होगी, पक्की होगी, पक्की जीत होगी, इंशाल्लाह पक्की होगी। अच्छा, आप भी वोट कास्ट कर रहे हैं? हाँ जी। किसको देके आ रहे हैं? जिसके नाम लेने पर पाबंदी है, उसको मैंने दिया था। आतगाड़ी का और आसिफ खान का छोटा जो वोट है हमारा, वो मैंने कामरान खान बंगोश को दिया था। वोट इमरान खान को दिया, इमरान खान को दिया था वोट। इमरान, वोट इमरान का, इमरान खान का, सिर्फ इमरान खान का। हक अदा कर दिया आपने? आपने हमने फैमिली का, उसका भी है। अच्छा, सारा वोट इसका है। अच्छा, फैमिली खान का है, सारे वोट इमरान खान के। देखें जी, लोग वोट कास्ट करके आने लगे हैं, और आप देख सकते हैं लोग इमरान खान को वोट कास्ट करके वापिस आ रहे हैं। बाकी देखते हैं जी भाई, वोट कास्ट कर रहे हैं आप? अच्छा, अभी इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, ये जो लोग मिले थे ये वोट कास्ट कर रहे हैं। और लोगों का जोश जज्बा आपने देखा, लोगों का कहना है कि इंशाल्लाह इनके वोट से शाम को जीत होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।